सर, इस लड़की के बैग में एक हिडन कैमरा छुपा हुआ है, रिकॉर्डिंग मोड में। उसके डिटेल्स चेक करो और मुझे तुरंत बताओ। सर, ये तो सब जानते हैं कि आप स्टील इंडस्ट्री। जस्ट अ मिनट। ये लड़की सिंघम की लवर है सर। What was the question you were asking? Iron waste आप कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं? Next. मैंने पूछा कौन सी कंट्री से? तुम सारे सवाल पूछ लो, मैं एक ही आंसर दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपने ई वेस्ट, मेडी वेस्ट, तुम्हें उस सिंघम ने भेजा है ना? सर, तुम्हें उस सिंघम ने भेजा है ना? सर, मुझे फंसाने के लिए भेजा? तुम एक जासूस बनना चाहती हो? स्पाई? मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? मुझे फंसाओगी? यहाँ इंजन भी बनाए कोई नहीं है मैडम। स्ट्रिप हाँ, मेरे सामने इसकी इज्जत लूट दो। ये सब क्या कर रहे हो? ये लड़की बहुत काम की है, इसे कब्जे में करके हम राजीव को आसानी से बाहर ला सकते हैं। यू राइट। ए, इसे बेहोश करके पैक करो। नहीं, वो यही आएगी। कोई नहीं। सर, मैं आंध्र टुडे से विद्या की क्लोज बात कर रही हूँ। वो आपकी हेल्प करने के लिए विट्ठल प्रसाद का इंटरव्यू लेने आई थी। उसने मैसेज किया कि वो प्रॉब्लम में है, लेकिन नीलो कहते हैं कि वो इधर आई नहीं। उसका फोन नंबर भेजो। हे सिंघम, डायरेक्ट लाइन पे आ गया। मेरा उस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं, उसे छोड़ दे। संबंध नहीं है तो फिर कॉल क्यों किया तूने? वाइफ को फैक्ट्री में रखकर दुनिया को बताया कि डिवोर्स हो गया और इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। You idiot! Your wife is beautiful. She's just superb. She's so sexy, man. Then why this girl? I want my men in Vishakhapatnam in next 3 hours. मैं उसे छोड़ देता हूँ, पर वो बाय रोड ही आ पाएगा। Why? पुलिस कस्टडी में है, फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकता, और उसे चोट भी लगी है। चोट लगी? Shit! Sir, duty calling to Vishakhapatnam. What is the distance? 1382 kilometers की जर्नी है सर। और उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है? जल्दी पता करो। नायडू पेट टोल प्लाजा आफ्टर नेल्लोर सिटी। Hey Singham, I'm giving you 11 hours. नायडू पेट टोल प्लाजा सेंटर पॉइंट है। वहाँ आकर उसे मेरे हवाले कर दे। I'm going to call my man every 1 hour. वो मेरी तरफ आना चाहिए और मैं तुझे हर 2 घंटे में फोन करूंगा। तुझे मेरे फोन का जवाब देना पड़ेगा और तू ड्यूटी कोर इनमें ही रहेगा। अगर तूने अपनी सिंघम गिरी या होशियारी गिरी दिखाई, I'll promise you one thing. 25 किलोस फ्लैश, 35 किलोस ऑफ बोन्स एंड 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, सब कुछ तेरे लिए सड़क पर है। तू आप तुरंत निकल जाइए। नहीं काव्या, अभी कैसे? फिक्र मत करो, काव्या की बहन लंदन से कल सुबह ही आएगी। हम यहाँ सबको संभाल लेंगे, तुम चले जाओ। मुरली, मेरा मोबाइल का सिग्नल सिर्फ 2D कॉम दिखाना चाहिए। विशाखापट्टनम ट्रैवल करते समय मुझे सारी कॉल अटेंड करनी है। कॉल डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, कोई रास्ता है? आप एक प्रीपेड कार्ड खरीदिए सर, उसके पीछे एक सिम नंबर होगा। वो नंबर मुझे भेजिए सर, आधे घंटे में डबल एक्टिवेशन कर दूंगा मैं। सर, बोट अभी भी समुद्र में है सर। बोट को वापस ले आओ। इसे गाड़ी में बैठाओ। इसे लेकर फौरन निकलो। Yes, sir. मैं फ्लाइट से विशाखापट्टनम जा रहा हूँ। तुम लोग नायडू पे टोल गेट रात को 3 बजे पहुंचोगे, तब तक मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगा। Okay, sir. और आप सुनिए, आप अपने आदमियों के साथ 300 मीटर की दूरी से उस जीप को फॉलो करेंगे, बाकी okay, मैं फोन पर बताऊंगा। मैं 30 को लैंड करूंगा। विद्या की फ्रेंड से डिटेल्स लो और सर्च शुरू करो। Okay, sir. आ राजीव, कहाँ हो तुम? हम राजमुंद्री क्रॉस कर चुके हैं सर। कार नंबर से आउटर सिटी के सारे टोल गेट्स को चेक करो, मैं वहां 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके सर। सिंघम कार इस इंटरटू करें ओनली। सर, नायडू पे 200 किलोमीटर की दूरी पर है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं सर। सर, जिस गाड़ी को हम ट्रेस कर रहे हैं वो पोर्ट टोल गेट को क्रॉस कर दिए सर। सर आइए सर, यही वो गाड़ी है। जूम इन करो, ये गाड़ी कहां तक पहुंची होगी? NH5 के सारे टोल गेट आप यहां देख सकते हैं सर। सर, वो गाड़ी इस टोल गेट के पास थी। तो फिर से इसी टोल गेट से क्रॉस हुई होगी। रिटर्न व्हीकल्स के फुटेज दिखाओ। सर, 8 मिनट में वही गाड़ी वापस आई है सर।
उसे किसी और गाड़ी में शिफ्ट कर दिया होगा। 5 to 5:30 के बीच इस टोल गेट में वापस आई सारी गाड़ियों की फुटेज दिखाओ। यस सर। इनमें से कौन सी गाड़ियाँ इस टोल गेट से पहले नहीं गई? अभी सर, एक एम्बुलेंस इसके बाद वाले टोल गेट को क्रॉस करके हमारी तरफ आ रही है सर। यही वो एम्बुलेंस है सर, और अगले वाले टोल गेट से तुरंत वापस चली गई। तुरंत वापस चली गई? एम्बुलेंस तो चली थी ट्रस्ट की। ज़ूम इन, नंबर 4151 सर। अब सिंघम कहाँ है? सिंघम अभी टूटीकॉरिन में है। ये सर, कैन आई हेल्प यू? दरअसल एक बीमार लड़की मिसिंग है, वो यहाँ पर एडमिट है। सर, ये चैरिटी हॉस्पिटल है और अभी आधी रात को आप चेक करेंगे तो सारे पेशेंट डर जाएंगे सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थैंक यू डॉक्टर। सर, ये क्या किया आपने? उस लड़की को यहाँ लाकर रख दिया। पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ आकर परेशान कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? सिंगो वाइजेक में है। हाउ इज दिस पॉसिबल? सर, आप फिर से यहाँ क्यों? पुलिस को बेवकूफ समझाए? तेरी बात सुनने के लिए मैंने इसे यहाँ रखा था। मुझसे बदला लेने के लिए विट्ठल ने एक लड़की को बहुत चोट पहुंचाई है। बाहर के हॉस्पिटल सेफ नहीं है, फैक्ट्री के हॉस्पिटल में ले जाओ। तुरंत ले जाइए, वहां सब रेडी होगा। प्रोपोफोल को मॉक्सिंग में मिलाकर उसे ओवरडोज दिया गया है, इसलिए उसे 3 दिन से पहले होश नहीं आएगा। पर उसे ऐसे ही छोड़ना रिस्क वाली बात है, इट लीड्स टू कोमा स्टेज। तो सर, इसे होश में कैसे लाएं? ब्लड डायलिसिस से सर। मैं अरेंज करती हूँ। आपको यहाँ साइन करना पड़ेगा सर, इट्स अ प्रोसीजर। सर, सेंट्रल मिनिस्टर रामप्रसाद आपसे बात करना चाहते हैं। आपका दामाद मेरे बेटे को बहुत परेशान कर रहा है। आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर आपके दामाद को 20 सड़क पर मार दिया जाएगा तो सवाल मुझसे मत पूछिएगा। और 20 सड़क में मेरा दामाद अगर आपके बेटे को मार डालता है तो? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सर, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ की संपत्ति उसी की है, लेकिन ये सारी संपत्ति छोड़कर वो सिर्फ 65,000 की नौकरी कर रहा है। तो समझ जाइए कितना डेडिकेटेड है वो। पहले अपने बेटे को सरेंडर करने के लिए बोलिए। जब से कहो रात को 10:30 बजे अरेस्ट वारंट चाहिए, लेकिन ये मत बताओ किसका अरेस्ट वारंट। मेरी जब से होने वाली हर एक बात, हर एक एविडेंस का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। ये लो, हैदराबाद की टिकट। ये किस लिए? विद्या को उसके घर छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी सर। देखो, मैं अपने बहुत अपनों को खो चुका हूँ और नहीं। क्या कहा आपने सर? मैंने कहा वापस जाओ। आप कुछ अपनों की बात कर रहे थे ना, मुझे लगा कि मेरी गलती की वजह से आप मुझे दुश्मन समझेंगे। बट यू स्टिल केयर फॉर मी। मुझे जब आपसे प्यार हुआ तो मुझे लगा मैं आप पर एहसान कर रही हूँ। जब मुझे पता चला कि आप किसी और के हैं, तब मैं समझी मुझे कितना प्यार है आपसे। आपको नहीं भूल सकती सर। बेटिया, मैं एक पागल लड़की हूँ सर। एक दिन कमरा बंद करके रो लूंगी तो सब कुछ भूल जाऊंगी सर। प्लीज मेरी तरफ से अपनी वाइफ को सॉरी बोल दीजिए।